आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। अगर इस तरह से आर्टिस्ट की जो है वो आवाज़ को दबाया जाएगा और एक फ़िल्म को, मेरी क्रिएटिव लिबर्टी को, क्योंकि कुछ लोगों ने बंदूकें तान दी हैं, हमारे माथे पर रख दी है, तो बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं नहीं। और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं, तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। कंगना रनावत जी ने जो कल कास्ट सेंसस पर कहा, जातिगत जनगणना पर कहा, उस पर बीजेपी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, उनका जातिगत जनगणना पर वैसे भी रवैया थोड़ा ढुलमुल रहता है, तो वो स्पष्ट करे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं। आंसर बड़ा सिंपल है, हाँ या ना। अपने सांसद की बात का स्पष्टीकरण देना बीजेपी की इस समय की जरूरत है। उनको झाड़ा गया था, डांट पड़ी थी जब उन्होंने किसानों को अपशब्द कहे थे, लेकिन जातिगत जनगणना को बिल्कुल नहीं होना चाहिए कहकर उन्होंने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक के हनन की बात करी है। बीजेपी का इस पर क्या मत है? सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर तेजस्वी यादव हो, बीजेपी पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोग बंगाल में लूट मचा रखे हैं। बीजेपी को बंगाल दिख रहा है, बदलापुर नजर नहीं आ रहा है, फरुखाबाद की दो शव लटके हुए बेटियों के नजर नहीं आ रहे हैं, आनंद फानंद में उनका क्रियाकर्म कराया जा रहा है, पिता को गुहार लगानी पड़ रही है न्याय के लिए, वो नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी रेप पर गंदी राजनीति करना कब बंद करेगी, ये हम जानना चाहते हैं। कांग्रेस ने प्रदर्शन बंगाल में किया और उसी मुस्तैदी से प्रदर्शन बदलापुर में भी किया। बीजेपी को बंगाल दिखता है, बदलापुर पर आंखों पर चश्मा लगा लेते हैं, ये गलत बात है। राष्ट्रपति ने कई शहरों का नाम लिया जहां महिलाओं, मुझे बहुत दुख इस बात का है कि राष्ट्रपति जी, इस देश की प्रथम नागरिक, आप सोच लीजिए इस देश की कानून व्यवस्था कितनी बदहाल है कि देश की प्रथम नागरिक कह रही है कि वो भयभीत है। राष्ट्रपति जी का भयभीत होना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार पर एक करारा तमाचा है। किस तरह की सरकार आप चला रहे हैं, किस तरह की कानून व्यवस्था आपने ठप करी हुई है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति जी ने जब कहा बहुत हुआ और मैं भयभीत हूं, निराश हूं, उनको इतनी ही निराशा, उनको इतना ही भयाव है, मणिपुर भी लगा होगा, बदलापुर भी लगा होगा, उत्तराखंड भी लगा होगा, हाथरस भी लगा हुआ होगा, हमारी जो बेटियां सड़कों पर घसीटी जा रही थी, पैरों तले रौंदी जा रही थी, वो भी बुरा लगा होगा। बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं नहीं, और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं, तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं।